और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर सो वी हैव डिस्कस्ड कंपैरिजन बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ क्लाइमेट एग्जैक्टली एंड वेदर एग्जैक्टली और उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं इन इन दोनों के जो इफेक्ट करते हैं आपके इन दोनों को तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हैं वही इनके वेरिएबल्स भी कहलाते हैं किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है चले हम इसको देख लेते हैं सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी होती है पहले वन लाइन में वेदर क्या होता है पहले हम पहले से सारी डिटेल पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल शॉर्ट टाइम टाइम टू टाइम मिनट बाय मिनट वेरीज कंडीशन और डे टू डे चेंजेस और सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको वेदर डिस्क्राइब्स कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बार बार पढ़ चुके इंपॉर्टेंट यही है सही है एटमोस्फेयर की कंडीशन होता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेरी डे टू डे ठीक है वीक टू तो वीक वीक पे वेदिक्स करता है ठीक है शॉर्ट टर्म चेंजेस को वी कैन से वेदर ठीक है वाट इज़ क्लाइमेट क्लाइमेट इज एवरेज कंडीशन एवरेज कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर एवरेज ऑफ क्लाइमेट एवरेज ऑफ वेदर जो होता है ना चेंजेस वो का क्लाइमेट होता है ये आ जाता है ह्यूमिडिटी एयर टेम्परेचर वगैरह इट कैन बी फॉर अप्रॉक्स थर्टी ईयर्स कुछ इस तरह एवरेज लिखा हुआ है सिंपल है एक लाइन के अंदर आपको पूरा समझ आ जाता है क्लाइमेट इज़ वट यू एक्सपेक्ट Weather इज़ वट यू गेट बहुत एक्जैक्ट जबरदस्त रेलिवेंट कोटेशन टाइप की है मतलब आप ये समझ रहे होते हैं कि क्लाइमेट वो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्रडिक्शन हो रही होती हैं सारी और वो जो होता है आउटकम जो अल्टीमेटली नज़र आता है शॉर्ट टर्म के अंदर वो आपका वेदर होता है ठीक है सिंपल है ये अच्छा आप आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट्स ऑफ वैदर एंड क्लाइमेट पूछा जाता है अक्सर आपके वेदर एलिमेंट्स क्या हैं वेदर एंड क्लाइमेट के वेरिएबल्स क्या हैं वेदर के या कुछ भी इस तरीके से पूछ लिया जाए जो कि फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली यही चार पांच फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन आया हुआ पाँच नंबर का इसमें आपको पहले दोनों को डिफ़ाइन करना होता है और फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है उनके वेरिएबल्स को थोड़ी थोड़ी दो दो लाइनों के अंदर यहाँ मैंने जरूर पॉइंट्स पॉइंट्स ऐड किए में आपने एक्सप्लेन करना है जो मैंने कंपैरिजन लिख करवाया है वही पॉइंट्स आप क्लाइमेट और वेदर के अंदर मज़दीद पॉइंट्स ऐड कर लें अच्छा अब इसी तरीके से इसके कंपोनेंट्स वो देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल सबसे पहला है टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है इट कंट्रोल्स अदर्स बेसिकली टेम्परेचर ही तो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है टेम्परेचर ही एवरेज चीज़, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है क्योंकि टेम्परेचर का सिंपल क्या होता है ओवरऑल जिस जगह पे हीट ज़्यादा होगी ना जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस जगह से हीट एपोरेट ऊपर जाएगी और ऊपर जाने की वजह से कोल्ड एयर उसकी जगह गरीगी तो अल्टीमेटली जो विंड्स चल रही हैं जो ठंडी विंड्स चल रही हैं तो ऑब्वियसली क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा तो वो जो चेंजेस ऑफ़ विंड्स है ना मूवमेंट्स ऑफ विंड्स मूवमेंट ऑफ एयर है वो भी टेम्परेचर की वजह से ही हो रहा होता है ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है टेम्परेचर एक की कंपोनेंट है की वेरिएबल है ठीक है हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फेयर इज़ ये भी यही डिफ़ाइन करता है कि टेम्परेचर बेसिकली है यही डेफिनेशन इसकी ये है के हाउ हॉट एंड कोल्ड द एटमोसफियर इज ठीक है इसको हम सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं मेजर करते हैं हम इसको सेंटीग्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी कह सकते हैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली लाइन है तो ये दो चार लाइनें लिख के आपने इसको एक्सप्लेन करना है सेकेंड यह है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी इज़ बेसिकली अ मॉइस्चर इन द एटमोसफियर ठीक है डेफिनेशन इसकी ये होती है कि दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ठीक है कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन द एटमोसफेयर इज़ ऑलसो कॉल्ड ह्यूमिडिटी ठीक है एवेपोरेशन एंड ट्रांसपेरेशन बेसिकली होता है ये कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से होती है कॉज क्या होता है कि वो एवेपोरेट करता है वाटर और आपका ट्रांसपरेशन जो होती है लीव्स के अंदर से जो निकलती है वो जाके अल्टीमेटली ट्रैप हो जाती है वाटर ट्रैप हो जाता है स्टू ओ के वेपर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इन द एयर ठीक है इन द विद अदर गैसेज जो भी आपकी होती हैं एयर के अंदर और इस तरीके से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है ठीक सिंपल है इसका यूनिट क्या होता है ये देखिए साथ साथ चीज़ें मतलब इसी तरीके से आपने पेपर में लिखनी डेफिनेशन ये है मेजर इस तरह करते हैं डेफिनेशन कॉज और यूनिट इसका ग्राम पर मीटर क्यूब होता है ह्यूमिडिटी का थर्ड वेरिएबल इज़ प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन इज द मॉइस्चर फॉल्स फ्राम द एयर टू द ग्राउंड सिंपल यार जो भी आपके इन द फॉर्म ऑफ वाटर या कोई भी आपका मॉइस्चर अगर फॉल होगा ना रेन वगैरह जो भी होती है स्नो जिस भी फॉर्म के अंदर ग्राउंड की तरफ आए अगर एयर से जैसे ये ह्यूमिडिटी सिम्पल क्या है जिसको वेपोरेन ग्राउंड से एयर में जाता है तो वो ह्यूमिडिटी हो जाती है और प्रिसिपिटेशन ग्राउंड पर वापस आती है रेन स्नो फॉल हेल फॉग जो भी किसी भी किस्म के उसको हम प्रिसिपटेशन बोलते हैं ऑब्वियसली आपको समझ आ रही है कि टेम्परेचर से आपका क्लाइमेट चेंज होगा वेदर चेंज होगा ह्यूमिडिटी से आपका वेदर कम नहीं होगा कराची का वेदर ह्यूमिडिटी होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इस वजह से गर्मियों में भी इतना गर्म नहीं होता है यहाँ पर हैदराबाद बिल्कुल आपका ड्राई है इस वजह से वहाँ पर बहुत ड्राई है आपकी हीट बहुत इंटेंस हीट होती है प्रिसिपिटेशन भी यही है कि जहाँ पर जैसे इस्लामाबाद वाले रीजनस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी रेनफॉल होती है और जहाँ पर फॉग लाहौर में बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ओवरऑल वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये टम्परेचर्स को इम्पेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन ऑफ द हाइट से वेरी करता है मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी एटमोस्फेरिक प्रेशर उतना आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है क्या है बेट ऑफ एयर बेसिकली डेफिनेशन इसकी ये है एटमोस्फेरिक इज़ द वेट ऑफ लेयर वेट ऑफ एयर रेस्टिंग ऑन द अर्थ सही है और ये चेंज होता है विद द मूवमेंट ऑफ एयर ठीक है आपका एटमोस्फेरिक और से ऑब्वियसली वहाँ पर एयर कम होगी और आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा विंड क्या होता है मूवमेंट ऑफ एयर मार्सिस डेफिनेशन ये होती है कि विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर मार्सिस इट इम्पैक्ट जैसे सिंपल इम्पैक्ट करता है जहाँ पे तेज़ हवाएं चलेंगी ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर कूल हो जाएगा ठीक है जहाँ पे आपकी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी उधर से फिर आपकी ए, हे, मतलब हॉट एयर ऊपर चली जाती है ठीक है हॉट एयर और फिर उसकी जगह पे कोल्ड एयर आती है ठीक है इस वजह से फिर मूवमेंट ऑफ विंड्स मूव होता है और इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली क्लाइमेट या वेदर वेरीज करता है सिंपल क्लाउड आ जाता है लास्ट ईयर के क्लाउड विजिबल मास ऑफ कंडेंस ये डेफिनेशन है इसकी विजिबल मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर वाटर वेपर जब कंडेंस होकर एक विजिबल फॉर्म बना लेते हैं ना क्लाउड्स की तो वो बेसिकली आपके क्लाउड्स होते हैं सिंपल जहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होंगे वहाँ ऑब्वियसली हीट कम आएगी जैसे जब सूरज क्लाउड्स के पीछे चला जाता है तो आपका वेदर इतना हॉट नहीं रहता ठीक है सिंपल क्लाउडी वेदर हो जाता है जो कि इतना हॉट नहीं होता वेदर ये ना हो तो मतलब अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट करते हैं वेरी करते हैं इससे की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज मतलब हो रहा होता है ठीक है वेदर वेरी चेंज होता है वेरीज़ करता है ये इम्पैक्ट करता है मतलब ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है इस तरीके से ये सारे इसके वेरिएबल्स हैं पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपने पहले क्लाइमेट को डिफ़ाइन करना है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है ठीक है फिर वेदर को एक्सप्लेन करें उसकी डेफिनेशन दे के सर थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें और इसी तरीके से फिर उसके फैक्टर को डिफाइन करें जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया हुआ है पहले आप वेदर को बताएं फिर क्लाइमेट को बताएं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसके एलिमेंट्स की हेडिंग डाल के फिर एक एक एलिमेंट की हेडिंग डाल के उसको दो चार चार लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करते जाए तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था